ब्रेक के बाद बात करते हैं हरदोई की। हरदोई जनपद में महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां सूबे के मुखिया सीएम योगी अपराध खात्मे के दावे कर रहे हैं, वहीं यूपी में ये अपराध बेलगाम हो गया है। यूपी के हरदोई जिले में आए दिन रेप कांड का मामले की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आए दिन बेखौफ दरिंदे किसी न किसी बेटी या महिला की इज्जत को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसा ही एक रेप का मामला हरदोई जनपद के बेहटा गोकुल इलाके से सामने आया है, जिसमें युवती से मारपीट कर दबंगों ने दुष्कर्म का शिकार बना दिया। पीड़ित महिला थाने में सुनवाई न होने पर एसपी से गुहार लगाने पहुंची। एसपी हरदोई विपिन कुमार मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कर डॉक्टरी व कार्यवाही करवाने के निर्देश देते हुए थाने भेजा। थाने का थाने से बजाई दो, फिर टेम्पो थाने से करो टेम्पो। आज कहाँ आए थे? आज कहाँ आए थे? हरदोई। किसके पास? इनके सुल्तान साहब के पास। तो यहाँ पे क्या आश्वासन मिला है आपको? यहाँ पे क्या आश्वासन का आप देखो आगे आश्वासन का आप ले। बेटा गोकुल के ग्राम पदेवना की घटना है, जिसमें वादिनी पक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके साथ जो है उसकी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। मूल तथ्य यह है कि ये लोग जो है इनके बीच में पहले से जमीन का झगड़ा चल रहा था और कुछ दिन पहले मारपीट का मुकदमा इन लोगों पर लिखा गया है। आज सुबह फिर मारपीट हुई है, जिस पे डायल 100 गई थी और एक पक्ष को थाने लाई, ये लोग थाने न आकर सीधे यहां आए और इन्होंने बलात्कार का आरोप लगाते हुए प्रार्थनापत्र दिया है। इसकी जांच कर सुसंगत विधि कार्रवाई की जाएगी। लड़की के सब चोटें हुई हैं, आई थी मारपीट में चोटें आना स्वाभाविक। क्या मेडिकल के लिए? हाँ बिल्कुल।